आइए दोस्तों, 2022 है और यहाँ पर आज जानते हैं कि बजाज ईएमआई कार्ड से लोन कैसे ले। दोस्तों अगर आपके पास भी एक ईएमआई कार्ड है और आप वहां से लोन लेना चाहते हो 2022 में, कोई नया प्रोसेस, कोई नया तरीका, चलिए दोस्तों आज की वीडियो को देख लेंगे। और सबसे पहले इस वीडियो को कर देना एक लाइक। दोस्तों 1000 लोगों की अगर लाइक इस वीडियो में मिल जाता है, नेक्स्ट वीडियो में ईएमआई कार्ड के ऊपर और धमाकेदार वीडियो आएगा दोस्तों, जिससे आप लोगों का बहुत फायदा होगा। तो वीडियो को मिस ना करें दोस्तों, पूरा देखें और एक लाइक तो जरूर कर दे, क्योंकि YouTube ने फ्री बटन रखा है लाइक का बटन। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे कि मुझे बजाज फाइनेंस EMI कार्ड से लोन चाहिए। जरूर दोस्तों, हर एक का कमेंट बनता है और होना चाहिए। अगर आप कहीं से भी हमारा वीडियो देख रहे हो तो जरूर लिख देना आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हो, या दोस्तों लिख देना बजाज EMI कार्ड से मुझे लोन चाहिए। जरूर हर एक का कमेंट बनता है दोस्तों। इसके ऊपर और एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसको समझ नहीं आएगा या जिसके साथ प्रॉब्लम होगा। दोस्तों आज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अगर अभी आप जीबी बैंक टाइगर चैनल को देख रहे हो, क्योंकि यहां पर लोन से जुड़ी जानकारी और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको देता रहता है दोस्तों। यहां पर चलिए साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के ऑल बटन पर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकूं और दोस्तों आपके फायदे के लिए वीडियो बना सकूं। दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, और दोस्तों इस वीडियो को प्लीज 1000 लोग तो लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बजाज फाइनेंस EMI कार्ड से कैसे पर्सनल लोन ले सकते हैं पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो को आप पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करके देखना है दोस्तों, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरा समझ नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है दोस्तों, इस लिंक का आप जाइए जरूर। यहां पर मैंने बजाज फाइनेंस के ऊपर लोन कैसे लेना है और EMI कार्ड से दोस्तों कैसे आप लोग लोन ले सकते हो, EMI कार्ड की लिमिट कैसे बढ़ा सकते हो, EMI कार्ड के इस्तेमाल से कैसे शॉपिंग कर सकते हो, ढेर सारा दोस्तों EMI कार्ड और बजाज फाइनेंस से जुड़ी जिनका भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा वहां पर मिल जाएगा। तो आप लोग साइट को जरूर विजिट कर लेना, यहां पर आपको मिल जाएगा बजाज EMI कार्ड को यूज कैसे करना है, बजाज EMI कार्ड से लोन कैसे लेना है, सारी आपको यहां पर इस ब्लॉग में मिलेगा, जो कि myindianknowledge.com आप स्क्रीन में देख सकते हो यहां पर ये साइट को। ये साइट से आप आसानी से लोन ले सकते हो दोस्तों, इस साइट से आप आसानी से कोई भी अपना जो भी फाइनेंस की ब्लॉग है दोस्तों, न्यू इंस्टेंट लोन की जानकारी पा सकते हो दोस्तों। यहां पर इस ब्लॉग को जरूर विजिट कर ले, जो myindianknowledge.com है, आप लोग जाइए और विजिट करें दोस्तों। अभी बात करेंगे बजाज EMI कार्ड से लोन कैसे ले। तो चलिए दोस्तों हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर से बजाज वॉलेट को इंस्टॉल कर ले। अगर आपके फोन में ऑलरेडी बजाज वॉलेट इंस्टॉल है तो दोस्तों ओपन कर लेता हूं। दोस्तों ओपन करने के बाद देखिए बजाज का जो ये मोबीक्विक का एप्लीकेशन है, मैं इसको ओपन कर लिया दोस्तों। अभी यहां पर कहां से हमें बजाज EMI कार्ड से लोन अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आधे रास्ते में वीडियो को छोड़ के जाएंगे और स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हो सकता है दोस्तों इस वीडियो की स्पीड को और कमा लो, ताकि यार आपको पूरा समझ आ सके। दोस्तों यहां पर देखिए बजाज EMI ये जो वॉलेट है, इसको आप अगर यूज कर रहे हो, और दोस्तों देखिए मेक श्योर दैट कि आपका ऑलरेडी बजाज EMI कार्ड बन गया है। अगर नहीं बना है तो दोस्तों यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट से पता कर सकते हो कैसे आप ऑनलाइन बजाज EMI कार्ड बना सकते हो, या वीडियो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख के आप बजाज EMI कार्ड बना सकते हो। तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे यहां पर, कैसे हम बजाज EMI कार्ड से लोन लेंगे। तो यहां पर आपको EMI कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि यहां पर मुझे हेल्थ कार्ड मिला हुआ है, एक हेल्थ कार्ड और दोस्तों EMI कार्ड मिला हुआ है, जो कि लिमिट आप देख सकते हो 75,000 लिमिट के साथ। दोस्तों अभी हमें क्या करना है जिसकी वजह से हम यहां से लोन ले सकते हैं। बजाज EMI कार्ड देखिए दोस्तों कैसे देता है, क्यों देता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा, अगर आप बजाज EMI इंस्टेंट कार्ड बनाया है, इंस्टा कार्ड अपने बजाज EMI कार्ड का बनाया है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा देखिए ये EMI कार्ड हमें मिलता क्यों है। तो दोस्तों ये EMI कार्ड के थ्रू हम ले सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन सामान खरीद सकते हैं, एप्लीएंस वगैरह, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, ये सब हम ले सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं अपने मनपसंद। दोस्तों यहाँ पर शॉप से, रिटेल शॉप से कुछ भी ले सकते हैं, मोबाइल वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन से भी ले सकते हैं बजाज की वेबसाइट से। तो ये जो इंस्टा EMI कार्ड है, ये EMI कार्ड लगभग सभी के पास है। इसका लिमिट कैसे इंक्रीज करना है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिए दोस्तों। ये यहां से दोस्तों बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं EMI कार्ड को, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों यहां पर बजाज EMI कार्ड से लोन लेने के लिए, अगर देखिए दोस्तों अगर आपको लोन चाहिए इससे, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि इस EMI कार्ड के थ्रू आप लोन नहीं ले सकते दोस्तों। यहां पर देखिए अगर बात कर ले लोन लेना है, तो दोस्तों यहां पर क्या ट्रांसफर मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक, ये प्रोसेस क्या
किस चीज के लिए? तो वॉलेट टू बैंक, ये जो प्रोसेस है, अगर आपकी मोबीक्विक वॉलेट में कोई पैसा रहता है उस पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन वो भी आपको केवाईसी करने के बाद। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मान लीजिए मोबीक्विक वॉलेट में आपका पैसा रहता है, जैसे कि मेरे मोबीक्विक वॉलेट में 100 रुपीज है और ये 100 रुपीज को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। इसको ट्रांसफर करने के लिए भी दोस्तों हमारा केवाईसी होना चाहिए, दोस्तों हमारा केवाईसी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा केवाईसी, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो बोलेगा कि आपका केवाईसी नहीं है, यू नीड टू कंप्लीट योर केवाईसी ट्रांसफर मनी। दोस्तों ये जो मनी है दोस्तों हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी दोस्तों मोबीक्विक वॉलेट से। अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा भी यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर बात करें ये जो ईएमआई कार्ड है, ईएमआई कार्ड के पैसे को अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये एक नो कॉस्ट ईएमआई नहीं रहेगा, ये फुल्ली एकदम लोन की जैसा आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो समझ लीजिए जो ईएमआई कार्ड बनाया गया है किस चीज के लिए बनाया गया है, ये जो बनाया गया ईएमआई कार्ड को, ये कम ईएमआई कार्ड आपका नो कॉस्ट ईएमआई है। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब है कोई भी ईएमआई में कॉस्ट नहीं देना है, कोई भी ब्याज नहीं देना है, 0% पे ये बजाज फाइनेंस ने ओनली प्रोडक्ट की बेस पे एक कार्ड को बनाया। दोस्तों आप लोगों को अगर ईएमआई कार्ड से लोन चाहिए तो दोस्तों यार मैं सिंपली बोलूंगा कि आप लोग बजाज फाइनेंस की पर्सनल लोन को अप्लाई करें। बजाज फाइनेंस की पर्सनल लोन 25 लाख तक की पर्सनल लोन देता है, और इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया यार दोस्तों, दोबारा क्यों बताओ, बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन कैसे ले इसके ऊपर वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाइए फटाफट देखिए वीडियो को। और दोस्तों यहाँ पर ऐसे अप्लाई करना है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, आपका पिन कोड डेट ऑफ बर्थ देना है, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप वगैरह देना है, कितना लोन चाहिए, मंथली इनकम कितना करते हो, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। दोस्तों यहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो कर देना है और बजाज फाइनेंस की तरफ से कॉल आके आपको पूरी जानकारी लोन का दे देगा। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, बजाज फाइनेंस कभी भी आपको लोन देने से पहले प्रोसेसिंग फीस एडवांस फीस नहीं मांगता है। जो भी दोस्तों मार्केट में ऐसे फ्रॉड हो रहा है इससे बच के रहना, अवेयर रहना, सतर्क रहना। हमारा चैनल भी आपको कभी भी नहीं बोलता कोई भी लोन कंपनी बता के, और दोस्तों नहीं ऐसे इनकरेज करता है आपको कि आप लोग कभी भी लोन लेने से पहले किसी भी कंपनी को ऐसे इनको पैसा दो। दोस्तों अभी ऐसे मत देना है, कभी भी एडवांस फीस मत देना है, क्योंकि लोन जो देता है वो आपकी जो अमाउंट होता है वो डिडक्ट करके सारी फीस को आपके अकाउंट में क्रेडिट कराता है। लेकिन दोस्तों जो एडवांस फीस मांगता है वैसे कंपनी से दूर रहना, ऐसे एजेंटों से दूर रहना, ऐसे बैंकों से दूर रहना, क्योंकि ऐसे लोग काफी फ्रॉड कर रहा है मार्केट में। और बजाज फाइनेंस भी एक जेन्युइन कंपनी है दोस्तों, वो लोन देने से पहले कभी भी प्रोसेसिंग फीस फाइल चार्जेस नहीं लेता है। तो दोस्तों ये जो काम किया जाता है कुछ एजेंटों की तरह किया जाता है, फ्रॉड लोगों की तरह किया जाता है, स्कैमर्स की तरह किया जाता है, ऐसे बाजार में बहुत है। हो सकता है आपको भी ऐसे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और बजाज फाइनेंस के नाम लेके आपके साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना, ऐसे एजेंटों से बच के रहना, ऐसे फ्रॉडों से बच के रहना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो बस इतना ही था कि आप ईएमआई कार्ड से लोन नहीं ले सकते हो मेरे भाई, अगर आपको लेना ही है तो पर्सनल लोन ले लो, लेकिन दोस्तों ईएमआई कार्ड के थ्रू लोन मत लो, वो उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्याज आपको चुकाना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।